आगे देखते हैं, अपना पहला वर्ड है गैलेंट। देखो अच्छा आपने वो पढ़ाओ गैलेंट्री अवार्ड सुने हैं क्या, वीरता पुरस्कार। तो गैलेंट किसका रूट है, वीरता का, सिंपल है। गैलेंट का मतलब वीर, ब्रेव, हीरोइक। नेक्स्ट हमारा वर्ड देखते हैं क्या है, गार्निश, सुंदर करना, डेकोरेट करना, ठीक है ना। इसमें देखो एक सोने में इसका एम्बेलिश करना, डेकोरेट तो आप सबको पता ही है, गार्निश भी सुंदर करना होता है, डेकोरेट भी। अब एम्बेलिश वर्ड बहुत ज्यादा एग्जाम में आया हुआ है, देखो इसको याद कैसे करना। एम्बेलिश वर्ड को आप बेल से याद करो, मान लो कि पेड़ है और इस पे बेल्स लटका रहे हो सुंदर सुंदर, ये क्रिसमस ट्री को करते हैं, इसको सुंदर कर रहे हो, सुंदर करना, डेकोरेट करना, एम्बेलिश करना होता है। नेक्स्ट हमारा वर्ड देखते हैं क्या है, गोशे या गॉच। देखो आपने एक वर्ड पढ़ा था, अगर आपको याद हो एड्रॉइट, बताओ अगर आपको ध्यान है एड्रॉइट क्या होता है तो बताओ, बताओ भाई क्या होता है एड्रॉइट, गुनी, यस। एड्रॉइड को आपने याद कैसे करना है, एंड्रॉइड से। देखो एंड्रॉइड फोन हम यूज करते हैं, वो कई सारी स्किल्स है एंड्रॉइड फोन के अंदर, समझ सकते हो, जिसमें स्किल है, गुण है, टैलेंट है, वो एंड्रॉइड होता है। और जो अनाड़ी है उसको क्या बोलते हैं, गोश, यानी कि ऑकवर्ड, ठीक है ना, अनसोफिस्टिकेटेड, जिसको ढंग नहीं है, काम करने का तौर तरीका नहीं है, उसको गोश बोल सकते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा वर्ड देखते हैं क्या, बेढंगे को बोलते हैं गोश, गैम्बल करना, जुआ खेलना होता है, गैम्बलिंग सिंपल है, प्ले गेम्स ऑफ चांस फॉर मनी, बेट लगाना, बेट करना क्या होता है, शर्त लगाना, जुआ खेलना। नेक्स्ट है गैरिश, देखो गैरिश को आप क्या पढ़ सकते हो, गेश, गैरिश वर्ड को आप क्या पढ़ सकते हो, गेश, तो जो गे होते हैं कि तड़कीले भड़कीले से कपड़े डालते हैं, तो गैरिश से गेश, गे से तड़कीला भड़कीला, भड़कीले को क्या बोलते हैं, गैरिश को। नेक्स्ट है गेरुलस, ये तो हमारा फेवरेट वर्ड्स में से एक है, बातूनी, टॉकेटिव, छोटी मोटी बातों पे जो खूब बातें मारता रहता है वो गेरुलस होता है, हमने पढ़ रखा है, हाँ गेरुलस नेगेटिव वर्ड है, बातूनी बोलता रहेगा बोलता रहेगा। नेक्स्ट है गौडी, देखो गौडी को आप ऑडी से याद कर सकते हो, ठीक है ना, टिपिकली हैज टू बी टेस्टलेस, ब्राइट और शोई होता है गौडी, दिखावे से भरा हुआ गौडी, ठीक है ना, इसको आप ऑडी से याद कर सकते हो, मान लो किसी ने ऑडी खरीदी, उसको बहुत अच्छे से इक्विप कर लिया, ठीक है, मॉडिफाई करवा लिया, तो उसको गौडी, गौडी ऑडी दिखावे से भरा हुआ। नेक्स्ट हमारा वर्ड देखते हैं क्या है, गे, होमोसेक्सुअल, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वर्ड देखते हैं क्या है, जनरल, साधारण, आम, सिंपल वर्ड है। जेनरस, जेनरस क्या होता है बताओ, एडजेक्टिव है, चलो एक वर्ड बताओ, जेनरोसिटी क्या होता है, बताओ भाई जेनरोसिटी क्या होता है, क्या होता है जेनरोसिटी, बड़प्पन, बड़ा दिल, हमने एक वर्ड पढ़ा था मैग्नानिमस, बताओ क्या था, एडजेक्टिव, दिल बड़ा, सेम इज जेनरस होता है, जिसका दिल बड़ा है उसको बोलते हैं जेनरस है, दानवीर को बोलते हैं, दानवीर है, करण क्या था, दानवीर था, सब कुछ दान देता था, तो करण क्या था, जेनरस था, मैग्नानिमस था, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हमारा जीनियल, देखो जीनियल को ना मैंने कैसे याद रखा, जीनिया पढ़ा हुआ, मान लो कोई लड़की है जीनिया, अब ये बहुत फ्रेंडली है, ठीक है ना, तो जीनियल लोग कौन होते हैं, जो फटाफट घुल मिल जाते हैं, एक्स्ट्रोवर्ट होते हैं, सोशल होते हैं, ठीक है, जीनियल होते हैं, इसको जीनिया से आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट है जीनियस, तो पता ही है अपने काम में माहिर, एक्सेप्शनली इंटेलेक्चुअल, क्रिएटिव पार्ट्स और द अदर एबिलिटी, जीनियस आपको पता ही है। तो नेक्स्ट है जेंटल, सॉफ्ट, जेन्युइन क्या होता है, ओरिजिनल, यानी पढ़ रखा है जेन्युइन वर्ड, जियांट या जियांट, बड़ा, विशाल, सुपर ह्यूमन साइज, बड़े के लिए जियांट पर लिखा जाता है, गिफ्टेड, जाइंट बोलते हैं, जाइंट, जियांट, जाइंट बोला जाता है, जाइंट, गिफ्टेड क्या होता है, व्हाट इज गिफ्टेड, जो कुदरत ने आपको दिया वो गिफ्टेड है, किसी का गाना गाने का गॉड गिफ्टेड है कोई, एक्सेप्शनल टैलेंट है, नेचुरल एबिलिटी है, गिफ्टेड है वो, गिगेंटिक बहुत बड़ा, इसको कैसे ध्यान रख सकते हो, देखो गीगा हर्ट्स क्या होते हैं बताओ,
10^9 को बोलते हैं गीगा, तो गिगेंटिक क्या बहुत बड़े लेवल पे कोई चीज है तो गिगेंटिक है। नेक्स्ट हमारा वर्ड देखते हैं क्या है, जिम क्रैक। देखो इसको आप समझो, जो जिसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती ना वो जिम क्रैक होता है। जिम क्रैक क्या होता है, चीप क्वालिटी की चीजों को लिखा जाता है जिम क्रैक। शोई चीप बैडली, बैडली मेड, जिसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, जिम क्रैक। इसको आप अपने हिसाब से आ सकते हो। नेक्स्ट है ग्लिंटिंग, चमकदार। हमने एक बोला था स्किंटिलेटिंग भी पढ़ा था, वो भी चमक को इंडिकेट करता है। स्पार्कल भी क्या होता है, चमक को इंडिकेट करता है। तो ग्लिंटिंग क्या है, चमकदार है, चमकता हुआ। ग्लोबल जो वर्ल्ड वाइड है, जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है, ग्लोबल है। जैसे इंटरनेट है, वर्ल्ड वाइड है, हॉल वर्ल्ड। ग्लूमी उदास, अंधेरे से भरा हुआ, उदास, अकेला, ये सब ग्लूमी होता है। सैड यहाँ पे क्या लिखा है, डार्क और पुअरली लिट, जहाँ पे रोशनी लिट क्या होता है, जगाना। स्पेशली सो एज टू अपीयर डिप्रेसिंग और फ्राइटनिंग। सैड, उदास, अकेला, ये सब ग्लूमी होता है, डरावना भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा वर्ड देते हैं ग्लोरीफाई करना, प्रेज करना, वर्शिप करना। जैसे हम मतलब कि हम कहते हैं ना भाई, बुरे लोगों को हमें महिमा मंडन नहीं करना चाहिए, ग्लोरीफाई नहीं करना चाहिए, उनका बहुत जय जयकार मत करो, ग्लोरीफाई मत करो, बुरा बुरा होता है। जैसे गॉर्जियस, सुंदर, सिंपल है। ग्रेसफुल, जिसमें बहुत ग्रेस है, सुंदरता है जिसके अंदर। ग्रेशियस भी क्या होगा, सुंदर है जो, ग्रेसफुल जैसे वर्डी है। ग्रैंडियर, ग्रैंड से बड़ा है वर्डी है। वो क्या लिखा है, बड़ा, ग्रैंड का मतलब बड़ा होता है। ग्रैंडियर का मतलब कोई चीज बहुत बड़ी है, विशाल है, वो ग्रैंडियर है। ठीक है ना। नेक्स्ट भी क्या है, ग्रैंडियोस, एक्स्ट्रावेगेंटली और प्रीटेंशियसली इम्पोजिंग इन अपीयरेंस, और बढ़ा चढ़ा कर इसको बताया गया है, वो ग्रैंडियोस है। ठीक है ना, ग्रैंडियर, ग्रैंडियोस है, जैसे वर्ड्स ही है, ग्रैंडियोसिटी दिखा रखे जैसे ग्रैंडियोस, राइट। ग्रैस्प करना क्या होता है, किसी चीज को अपने कब्जे में कर लेना, ग्रिप बना लेना, है ना, अपनी पकड़ बना लेना, ये सब ग्रैस्प करना होता है। ये दिखा रखा है, इसने उंगली पकड़ रखी, ग्रैस्प कर रखा है। नेक्स्ट है ग्रेटिफाइड, गिव प्लेजर और सेटिस्फेक्शन, धन्यवाद की भावना से भरा होता है ना ग्रेटिफाइड। ग्रेट किसका रूट है, धन्यवाद का रूट है। ग्रेट इंग्लिश में किसका रूट है, धन्यवाद का। ग्रेटिट्यूड क्या होता है बताओ, धन्यवाद। आई ऑफर माई ग्रेटिट्यूड, यानी कि मैं अपना धन्यवाद देता हूँ। ठीक है ना, तो वहीं से ग्रेटिफाइड बन गया, मतलब कि शांत करना, संतुष्ट, प्रसन्न होना, ये सब धन्यवाद की क्वालिटीज है। और ग्रेटफुल कौन लोग होते हैं बताओ, हाँ, जो धन्यवाद मानते हैं वो ग्रेटफुल लोग होते हैं। तो ग्रेट से आ गया वर्ड हमारा। ग्रेव, सीरियस, कब्र भी होता है और वेरी सीरियस के लिए भी ग्रेव वर्ड लिखा जाता है, गंभीर, और कब्र को भी बोलते हैं। ग्रीड क्या होता है, लालच। ग्रीडी क्या होता है, लालची, सिंपल सा बड़े। तो ग्रीटिंग क्या होता है, किसी को अभिनंदन, नमस्ते बोलना, गुड इवनिंग बोलना, सब ग्रीटिंग्स है। ग्रोटेस्क, देखो अभी मैंने वर्ड पता, गॉर्जियस, गॉर्जियस क्या था, सुंदर। अभी गॉर्जियस का एंटोनिम क्या होता है, ग्रोटेस्क होता है। कुरूप, सुंदर नहीं है। अगली, अगली क्या होता है, भद्दा। हाँ, ग्रोटेस्क क्या है, एंटोनिम है गॉर्जियस का। गॉर्जियस सुंदर हो गया, इसका एंटोनिम क्या बन गया, ग्रोटेस्क बन गया। भद्दा, कुरूप, ये सब लिखा जाता है, ये दिखा रखा। ग्रोइंग क्या है, जो ग्रो कर रहा है, जो उग रहा है, बड़ा हो रहा है। ग्रूसम क्या होता है, डरावना। ग्रू डर का रूट है, जी आर यू ई। एक तो ड्रेड भी डर का रूट है, डी आर ई ए डी। ड्रेडफुल भी क्या होता है, डरावना होता है, और ग्रू भी क्या है, डर का रूट है। तो ग्रूसम क्या बन गया, डरावना, दोनों डर के रूट है, ग्रू और ड्रेड, देख सकते हो उसको। ग्रफ को रफ से याद रख लो, देखो क्या है, ग्रफ को रफ पड़ोसी दही, जो मतलब कि रफ है, जिसे सुंदर नहीं है, रूखा है, भारी है, कड़ा है, खराब है, ये सब ग्रफ होता है। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रम्पी, बैड टेम्पर्ड और सल्की, जल्दी से गुस्सा आ जाए वो ग्रम्पी होता है। आप ये देखो ग्रम्पी। गारंटी आपको पता ही है, गारंटी होता है, जो चीज़ को हम रिप्लेस कर देते हैं वो गारंटी हो गया। गाइड करना, रास्ता दिखाना किसी से,
गिल्टी क्या होता है? अपराधी, दोषी, कोई रॉन्ग डूइंग, गलत काम करने की जो जिम्मेदार है वो गिल्टी है। गलीबल एडजेक्टिव है, भोला भाला जो किसी की बातों में आ जाता है वो क्या होता है? गलीबल होता है। ये क्रेडलेस होता है, क्रेडलेस कौन होता है? जो विश्वास, और इसको लोग इजीली परसुएड कर लेते हैं। परसुएड क्या होता है? मना लेते हैं, जो इसको आसानी से लोग मना लेते हैं किसी काम के लिए, तो गलीबल। ओके, ये हमारा हो गया अल्फाबेट जी, ठीक है।